चतराल के मुजाफाचे इलाके बलच में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ और अब इस इदारे के खाते में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल गफार खान ने नकाबकुशाई करते हुए इस इदारे का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट टेक्निकल सेंटर के लॉन में एक पुरवकार तकरीबी मुनाकिद हुई जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफार खान मेहमान खसूसी थे जबकि तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर चतराल मोहम्मद अली खान ने की। मौलाना गुलाबुद्दीन की तलावत कलमा पाक करने के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। टेक्निकल सेंटर के प्रिंसिपल रहमत करीम और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर सरदार अयूब ने मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस इदारे को आगे लेवल तक ले जाने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चतराल ने हुनर सीखने पर जोर दिया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा की चीन एक पसमानदा मुल्क था मगर वहाँ हर फर्द ने कोई न कोई हुनर सीखा। अब पूरी दुनिया की मार्केट में चीन का सामान फरोख्त हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफार खान ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो जरूर कोई हुनर या फन सीखे ताकि उनको आसानी से रोजगार मिल सके। डिप्टी कमिश्नर चतराल ने गुर्बत और बेरोजगारी के खाते में का वाहिद हल फनी तालीम के हुसूल को करार दिया। हमारे नुमाइंदे से प्रिंसिपल रहमत करीम ने बात करते हुए इदारे की तफसील बता दी। फिलहाल ये दो ट्रेड एक ड्रेस मेकिंग और साथ में जो है वो सिविल। डॉक्टर अब्दुल गफार खान ने भी मीडिया से बातचीत कर ली और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज भी शुरू हो गए तो हम तलबा से ये उम्मीद रखते हैं कि इनसे फायदा उठाएंगे। डीपीओ चतराल ने मुंशियात की लानत से छुटकारा पाने के लिए फनी और तकनीकी उलूम पर जोर दिया। आपको इक्विप कर ले, अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले, अच्छी टेक्नोलॉजी का जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल कर ले। डिप्टी कमिश्नर चतराल ने भी उसे तरक्की का वाहिद जरिया करार दिया। और हर बंदा जब टेक्निकली इक्विप होता है तो दूसरे का मोहताज नहीं होता। तकरीब के आखिर में वोकेशनल सेंटर बराए खवातीन और टेक्निकल सेंटर बराए तलबा के कामयाब तलबा तलबात में टेलरिंग, ऑटो मैकेनिक और कारपेंटर के सामान पर मुश्तमिल किट और सर्टिफिकेट में तकसीम हुए। इस तकरीब में दोनों इदारों के तलबा तलबात और असातिज़ा के साथ साथ इलाके के मायदीन ने भी कसरी तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब ड्रेस मेकिंग और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा लेवल तक तरबियत दी जाएगी। इदारा जब कामयाब होगा तो यहाँ से फरकुल तहसील तलबा तलबात को बाइज्जत रोजगार मिलेगी और ये इदारा यहाँ से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में कलेजी किरदार अदा करेंगी। अहमदाबाद फारूकी चतराल।